जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप तक आपकी जो वर्ग 3 की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन हम आज करेंगे। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इस प्रकार से जो पर्यावरण का आपका विकल्प, जो आपका टॉपिक है आवास, उसमें से इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है इस प्रकार की जो घर हैं वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के जो आवास पाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। यह घर 2 मंजिले होते हैं जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिलें पर कोई खिड़की नहीं होती। इन घरों की छतें समतलें होती हैं। छत को मजबूत जो है बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आवास से टॉपिक है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैक्टस पौधे के बीच कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ पर आवास की बात हो रही है, तो चाहे मानव का आवास हो, चाहे पक्षियों का आवास हो, और चाहे जानवरों का आवास, सभी के आवासों पर चर्चा करेंगे। तो पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो वो जो पक्षी है वो कौन सा है? वो पक्षी है फाख्ता। फाख्ता यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। ऐसा सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है ना? यह कोलंबी फार्म्स गढ़ एवं कोलबिंडी कुल का पक्षी है। तो सभी को याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो आपका उत्तर होगा फाख्ता पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो कौन सा कीट है जो एक साथ नहीं रहता है? देखो, ततैया जिसे बर्रैया बोलते हैं वो तो एक साथ रहते हैं, चींटी एक साथ रहती है, दीमक एक साथ रहती है, लेकिन जो मकड़ी है वो एक साथ नहीं रहती। यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनियों में एक साथ नहीं रहती, जबकि ततैया, बर्रा, चींटी तथा दीमक ये सभी सामूहिक रूप से जो है बस्ती में रहती हैं, है ना? तो ये चीज हमें देख लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर या 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? जल्दी से हमें बताना है। तो जो उत्तर होगा वो क्या होगा? असम राज्य, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और असम में भारी वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर हैं, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, लकड़ी के फर्श हैं। अब आपको बताना है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखना है, फटाफट लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा सी,
सी मतलब जो है पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, ये इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। लेह एवं लद्दाख जो है, लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और जहाँ ठंड की अधिकता होती है, बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएं होती हैं घरों की निचली मंजिल में खिड़कियाँ का होना, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी का फर्श। ठीक है, तो यहाँ के आवास की विशेषता होती है। अब आपसे पूछा जाएगा, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एस्किमो आया, एस्किमो। एस्किमो एक जनजाति है और इनके घर को कहा जाता है इग्लू, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि एस्किमो जनजाति को आवास को क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। और इग्लू के निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा जो हवा है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो अब उत्तर हमें इसका बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, एस्किमो जनजाति के आवास को इग्लू कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे जो है गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, मैं इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये किस राज्य में होना चाहिए? ये जो बताना है, ये जो आवास है वो किस राज्य में होना चाहिए? तो वो होना चाहिए असम में। ठीक है, असम में जो है क्या होती है कि बाढ़ आती है, बहुत वर्षा होती है, इसलिए असम में इस प्रकार के जो है मकान बनाए जाते हैं, आवास बनाए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौन सा? हो सकता है पेड़ की ऊंची डाल पर बना रहा है घोंसला, अपना आवास बना रहा है, तो वो पक्षी कौन सा हो सकता है? कौआ, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। कौआ अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक है, तो कौआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कीटों को दूर रखने, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीट से बचाया जा सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? देखो, सीमेंट आती है, लोहा आता है, पत्थर भी आता है, लेकिन जो स्कूटर है ये घर बनाने में काम नहीं आती। तो विकल्प नंबर जो चार है वो इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंदर शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, जंगली जानवर बंदर है, शेर है, चूहे के, इनके घर पूछे जाएंगे। तो घोंसला पेड़ एवं गुफा, गुफा बिल एवं पेड़, बिल पेड़ एवं गुफा, पेड़ गुफा एवं बिल। तो सबसे पहली बात है बंदर, तो बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। और चूहा कहाँ रहता है? बिल में। यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा। आप सभी के अपने जो आवास होते हैं उनके भी पता होने चाहिए। पूछा जाएगा आपसे कि शेर के आवास को क्या कहते हैं, तो आपको पता होने चाहिए गुफा कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जो आवास होते हैं सभी के आवास आपको पता होने चाहिए। निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? जी हाँ दोस्तों, स्वयं के घर का, स्वयं के आवास का निर्माण नहीं करता, वो कौन सा पक्षी है स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता? तो वो है कोयल। कोयल यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। कोयल ऐसा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता तथा अपने अंडों को कौए के घोंसले में देता है। ठीक है, जहाँ
कौआ अपना अंडा तो सभी समझकर, लोगों को को याद रख लेना है कि जो कोयल होती है वो अपना नीड़ का निर्माण नहीं करती, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और एक कौए के घोंसले में अंडा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने वैसे भी पढ़ लिया कि गोबर का प्रयोग किया जाता है, तो ये कीटों के, कीट को दूर रखने के लिए है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है, कुत्ता मछली का आवास है, कुत्ता मछली, एक मछली का नाम है कुत्ता मछली, ठीक है, और कुत्ता मछली का आवास क्या है, नदी, झील, तालाब या फिर समुद्र। तो कुत्ता मछली का नाम जो आवास होता है वो समुद्र होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। कुत्ता मछली समुद्री सार्क परिवार से संबंधित है, यह मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा इसका जो आवास है वो समुद्र है। अब याद रख लेना है सभी लोगों को, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है, कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है, ये उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा सी, इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है ना, ये जो है दीवारें कच्ची ईंटों की हैं, झोपड़ियों से अधिक मजबूत व स्थायी हैं, इन पर चूने की पुताई होती होती है, प्रतिदिन नहीं लीपना पड़ता, लीपना पड़ता लेकिन प्रतिदिन नहीं लीपना पड़ता, याद रख लेना। नेक्स्ट है, सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है, सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है, प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर हमें बताना है। चूने की, जल की, कीटनाशकों की अनुपस्थित, अनुपस्थित इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है वो चूने की है ना, चूने की, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है, जल्दी से लिखना है। चार है असम में, टुंड्रा प्रदेश में, गुजरात या फिर कन्याकुमारी। प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर होगा टुंड्रा प्रदेश में, पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी होती है टुंड्रा प्रदेश, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है। आपसे बनता है तो कमेंट में लिखते जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इग्लू के फर्श पर जो है फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं, इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं, चौथे का उत्तर हमें बताना है। तो चौथे का उत्तर होगा घर को गर्म रखते हैं, घर को गर्म रखने के लिए फर या फिर खाल बिछाई जाती है, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति का ये आवास माना जाता है जिसे इग्लू कहा जाता है, और इग्लू के जो फर्श हैं उसमें फर या फिर खाल बिछाई जाती है, क्यों बिछाई जाती है, घर को गर्म रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं, प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर हमें बताना है। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर होगा मोटी, मोटी यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक है, मौसम, महत्वाकांक्षा, मकान या फिर ए सभी, प्रश्न क्रमांक छह का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारे मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक है, तो वो है मकान, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है, स्थायी घरों के संबंध में, भूकंप रोधी, बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ, अधिक समय तक चलने वाले, सीमेंट ईंटों और लोहे के प्रयोग से बने, प्रश्न क्रमांक सात में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है हमें बताना है। तो भूकंप रोधी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है, तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है, शिविरों का आयोजन, आश्रय प्रदान करना, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा या फिर ए सभी, प्रश्न क्रमांक आठ का उत्तर हमें बताना है। तो आठ का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, उत्तर हो जाएगा ए सभी, ठीक है, ए सभी जो है वो सही हो जाएगा। तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक है शिविरों का आयोजन, आश्रय प्रदान करना या प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा, यानी कि आठ का डी उत्तर सही होगा। अगला है, ग्रामीण आदिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे, ग्रामीण आदिवासों में किसे शामिल नहीं करेंगे, प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर हमें बताना है। तो हम गांव को करेंगे, नगरीय गांव को करेंगे, ग्रामीण सेवा केंद्र को, लेकिन ग्रामीण विकास केंद्र को नहीं करेंगे, मतलब नौ का जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है।
विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरीय बस्तियां कौन सा कार्य नहीं करती? औद्योगिक, सुरक्षात्मक, प्रशासनिक या फिर ग्रामीण सेवा केंद्र। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर क्या होगा? नगरीय जो बस्ती है वो ग्रामीण सेवा केंद्र का जो कार्य है वो नहीं करती, मतलब जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। नगरीय अधिवास में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो वो कौन सी नहीं मिलती है? वो सामाजिक समानता, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। सामाजिक समानता इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं, कैसे मिलते हैं नगरीय अधिवास? नगरीय गांव, नगर गांव, कस्बा या फिर महानगर। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है, तो उत्तर होगा नगरीय गांव, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं नगरीय गांव। अगला हम प्रश्न ले लेते हैं, पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की व्यवस्था होती है झोपड़ियों में, नदियों में, तंबू में या फिर प्रसंस्करण केंद्र में? 13 का उत्तर सभी को बताना है, प्रसंस्करण केंद्र, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका नेक्स्ट सही जो हो हमारा जाएगा। प्रश्न है वो है, दक्षिण अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पंखा प्रारूपीय, अनाकार प्रारूपीय, सीढ़ी नुमा प्रारूपीय या फिर मधुमक्खी प्रारूपीय? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का होगा डी, मधुमक्खी प्रारूपीय। जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं मधुमक्खी प्रारूपीय, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है, तो जल्दी से बताओ। 15 का, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो 15 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नीम और कीकर की, नीम और कीकर, यानी जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रैन बसेरा है, गर्म स्थानों में से ठंडे स्थानों पर जाना, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपसे बनता है तो जल्दी से कमेंट में लिखो। रैन बसेरा है विकल्प नंबर सी, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, ये रैन बसेरा होता। ठीक है, विकल्प नंबर, प्रश्न 16 का विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर क्या होगा? 17 का होगा डी, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता क्या है? तो वो है, इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होने। विकल्प नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया था? जल्दी बताओ, मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया था? अधिवास को, चारागाह को, खेत या आखेट क्षेत्र को? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर क्या होगा? मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से किसे बनाया था? अधिवास, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किसको कारक में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? जल्दी बताओ, स्थायी आवास के लिए समतल भूमि की उपलब्धता, जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा, सुरक्षा की भावना, निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता। 19 का उत्तर बताओ, किसे शामिल नहीं करेंगे? तो फटाक से उत्तर बताना है, निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता, मतलब विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? जल्दी बताना है, पुंजित अधिवास, स्थायी अधिवास, अस्थायी अधिवास या फिर कृषि गृह? बुशमैन जाति के लोग किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? अस्थायी अधिवास, यानी जो विकल्प नंबर सी है वो सही होगा। अस्थायी अधिवास बनाते हैं बुशमैन जाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है? एस्किमो, अरब के बद्दू, खिरगीज या फिर संताल? 21 का उत्तर बताना है, कौन सी जनजाति जो अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है?
तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर बताना है, 21 का उत्तर होगा संथाल। संथाल जो जनजाति है वो स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कृषि गृह सामंतर नहीं मिलते संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, भारत में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर क्या होगा इसका? जो 22 का उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि भारत में। भारत में कृषि गृह सामंतर नहीं मिलते, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? जल्दी बताओ, पुरवा, नगर, गलियां या फार्म स्टेट। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हमें बताना है, 23 का उत्तर हो जाएगा क्या? गलियां। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं जो है मानव अधिवास नहीं मानते, तो गलियां यानी विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रामीण अधिवास नहीं है? फार्म स्टेट, ग्राम, पुरवा या फिर नगर। 24 का उत्तर बताना है, तो ग्रामीण अधिवास नहीं है, नगर यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? जल्दी से उत्तर आपको बताना, पंखा प्रारूप के, सीढ़ी प्रारूप के, आयताकार प्रारूप के या फिर रेखीय प्रारूप के। तो ग्रामीण अधिवास मिलते हैं तो कौन से, किस आकार के, किस प्रारूप के मिलते हैं? तो उत्तर होगा आयताकार प्रारूप के। ठीक है, मरुस्थलीय भागों में जो अधिवास मिलते हैं वो आयताकार प्रारूप के मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें शुद्ध हवा तथा रोशनी का आवागमन हो, गंदी हवा को निकलने के लिए रोशनदान हो, नलियां साफ व ढकी हुई हों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए सभी। शुद्ध स्वास्थ्यप्रद मकान वही है जिसमें शुद्ध हवा तथा रोशनी का आवागमन हो, गंदी हवा को निकलने के लिए रोशनदान हो, नालियां साफ और ढकी हो, मतलब विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या है? जल्दी से हमें बताना, बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या है? इनमें एक ही जाति के लोग रहते हैं, इनमें रहने वाले समान धर्म को मानते हैं, इनमें परस्पर भिन्नता होती है, समान व्यवसाय के लोग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर बताना है, 27 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा सी, इनमें परस्पर भिन्नता होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? जल में डूबे रहते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि के नीचे रहते हैं, अधिकांश जंतु जो है भूमि के नीचे रहते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो किस प्रकार की होती है? चिकनी मिट्टी वाली भूमि, पथरीली भूमि, रेतीली भूमि या चूने और मैग्नीशियम युक्त भूमि। 29 का उत्तर हमें बताना है, तो 29 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पथरीली भूमि। जो पथरीली भूमि होती है वो भवन निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही है। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? तो संगमरमर, घिया पत्थर, सैंड स्टोन या फिर कोटा स्टोन। 30 का उत्तर बताना है, तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा घिया पत्थर, यानी कि सेल खड़ी जिसे कहा जाता है, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है? तो ईंट पत्थर, सीमेंट, चूना पत्थर, एस्बेस्टास की चादरें, यानी वे उपर्युक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा, भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। तो दोस्तों, आवास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपका पर्यावरण में टॉपिक है आवास, वो हमने सारे कवर यहाँ पर किए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, अलग अलग आवास, जानवरों के आवास, मानव आवास है ना, अलग अलग देशों के आवास, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आवास से संबंधित बनेंगे, वो हमने सारे कवर किए हैं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है और हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। जय हिंद।